हरियाणा में मिली हार को फिलहाल कांग्रेस पहचान नहीं पा रही है। हरियाणा चुनाव के नतीजे बीते 8 अक्टूबर को घोषित किए गए थे, जिसमें चुनाव परिणामों में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की ओर से सरकार बनाने की कवायद तेज चल रही है, जिसके लिए 17 अक्टूबर को पार्टी की ओर से शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस की ओर से एक ऐसी चाल चली गई है जिसने बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक का मुद्दा उठा दिया है। 11 अक्टूबर को हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग को लिखित शिकायत की है, जिसमें उन्होंने 20 सीटों की ईवीएम सील करने की मांग की है। साथ ही ईवीएम की बैटरी 90% से ज्यादा चार्ज होने पर सवाल उठाते हुए छेड़छाड़ का संदेह जताया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस की मांग ईसी मान लेगी, और कौन कौन सी वे 20 सीटें हैं जहां पर हार को पचा पाना कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण बन रहा है। ये सवाल भी बहुत तेजी से चल रहा है कि क्या हरियाणा में 20 सीटों पर दोबारा वोटिंग होगी। दरअसल कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में खराबी का आरोप लगाते हुए 11 अक्टूबर को चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की, जिसमें 20 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस उम्मीदवारों ने लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि 8 अक्टूबर को गिनती के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी लो दिख रही थी। ये शिकायतें हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद सामने आई। राज्य में बीजेपी 10 साल की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद बहुमत हासिल करके सरकार बना रही है। 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी 20 सीटों को लेकर और ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग के पास शिकायत कर रही है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम को अप्रत्याशित बताते हुए कुछ सीटों पर ईवीएम में विसंगतियों का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि चुनाव आयोग को 9 अक्टूबर को सौंपे गए मेमोरेंडम को आगे बढ़ाते हुए हमने अब हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों की चुनाव प्रक्रिया में गंभीर और स्पष्ट अनियमितताओं को उजागर करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है, और हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा और उचित निर्देश जारी करेगा। ये सोशल मीडिया पोस्ट शिकायत वाली है, जो 20 सीटों की ईवीएम को सील करने की मांग कर रही है। चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में ये कहा गया है कि हम आपसे संलग्न शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने और ये सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों की ईवीएम को तुरंत सील कर दिया जाए, और ये भी अनुरोध करते हैं कि हमारी शिकायतों पर एक विस्तृत जांच शुरू की जाए और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। हरियाणा में हार के बाद ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग में नई शिकायत दर्ज कराने पर पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा, हमने चुनाव आयोग को 20 सीटों की सूची भेजी है जिनके बारे में हमारे उम्मीदवारों ने 99% बैटरी चार्ज होने की लिखित और मौखिक शिकायत की है। उन्होंने इस पर सवाल भी उठाया कि ऐसा क्यों हुआ। हमने वो 20 सीटों की लिस्ट चुनाव आयोग को भेजी है जिसमें बैटरी 99% चार्ज वाली शिकायतें हमारे प्रत्याशियों ने लिखित रूप से भी दी हैं, मौखिक रूप से भी दी हैं, और लगातार ये मुद्दा चुनाव की काउंटिंग के दिन, गिनती के दिन उठाया था। 20 ऐसी सेगमेंट्स हैं, और उन सब में यह भी एक अजीब सा संयोग है कि जो 99% जहां बैटरी चार्ज दिख रही है, उन मशीनों पर अधिकतर कांग्रेस को हराया गया है, हारी हुई है, और जहां 60-70% बैटरी है वहां कांग्रेस के वोट ठीक आए हैं। तो ये क्यों हुआ है? इसके संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की, लिखित रूप में 7 शिकायतें उन्हें सौंपी हैं। उन्होंने कहा था कि वे अपने कुछ अन्य उम्मीदवारों की ओर से ऐसी और शिकायतें विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। बाद में मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयुक्तों को दिए ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा कि हमारी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के सामने आने वाली समस्याओं में से एक ईवीएम और उनकी बैटरी क्षमता से संबंधित थी। इसमें कहा गया है कि इन ईवीएम का इस्तेमाल 5 अक्टूबर को हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान पड़े वोटों की गिनती के लिए किया गया था। आपको बता दें कि नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाणी, होडल, कालका, पानीपत सिटी, इंद्री, बड़खल, फरीदाबाद, NIT, नलवा, रानिया, पटौदी, पलवल, बल्लभगढ़, बरवाना, उचाना कला, घरौंडा, कोसली और बादशाहपुर ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से कांग्रेस उम्मीदवारों की शिकायत आई है।
इनमें वो भी सीटें शामिल हैं जहां पर पार्टी के उम्मीदवार मामूली अंतर से चुनाव हारे हैं और शिकायतकर्ताओं में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी शामिल हैं। इसी बीच हार को लेकर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने भी कहा है कि मंथन के लिए बैठकें होती रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें 20 सीटों पर जानबूझकर हराया गया है। देखिए, कल समीक्षा बैठक हुई है, उसमें विस्तार से चर्चा हुई है, आगे भी बैठक होगी और जो उस चर्चा के बाद निर्णय आएगा वो समय से सबको अवगत करा दिया जाएगा और उसमें अगर कोई सुझाव होगा तो हम उसका अनुपालन करेंगे। एक आखिरी प्रश्न, चुनाव आयोग से मिले कांग्रेस नेता हरियाणा की 20 सीटों पर ईवीएम की जांच की मांग। देखिए, इन 20 सीटों पे जानबूझ के हराया गया है, अंतर भी बहुत कम है और जिस तरह शुरू में जीत रहे थे बाद में स्लो करके रिजल्ट आए तो वो एक बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। चुनाव निष्पक्ष होने ही नहीं चाहिए बल्कि दिखने भी चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव हुआ और इसके लिए आवश्यक है कि उनकी दोबारा मतगणना करा दी जाए। गौरतलब है कि बीजेपी ने इस बार 90 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की और कांग्रेस को सिर्फ 37 सीटें आई हैं। इनेलो के खातों में इस बार 2 सीटें आई हैं, वहीं निर्दलियों ने 30 सीटों पर कब्जा जमाया है। बाद में तीनों निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हुए और अब बीजेपी की जो संख्या है वो 51 हो चुकी है। रिजल्ट आने के बाद से ही लगातार चुनाव आयोग पर कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे थे। रिजल्ट के दौरान उस दिन भी लगातार इस तरीके की शिकायत की जा रही थी। चुनाव आयोग ने इस पर जवाब भी दिया कि इस तरीके की कोई बात नहीं है, जैसे आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। उसके बावजूद अब चुनाव आयोग को 20 सीटों के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। सवाल बहुत बड़ा है कि अगर चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेती है तो क्या इन सीटों पर फिर से चुनाव होंगे, और सवाल ये भी है कि अगर फिर से चुनाव होंगे तो फिर किस तरीके से हरियाणा का समीकरण नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।